हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब से आप जो भी कमाई करते हैं, जो भी आपकी अर्निंग होती है एड्स के थ्रू हो या फिर सुपर चैट्स या ज्वाइन बटन के थ्रू हो, तो वो सारी गूगल एडसेंस के थ्रू ही आपके बैंक अकाउंट में आती है। गूगल एडसेंस में जब आपके $10 हो जाते हैं तो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपके घर पे पिन भेजी जाती है, जिसको वेरीफाई करने के बाद आपका जो गूगल में एडसेंस में जो एड्रेस है वो वेरीफाई हो जाता है और आपको पेमेंट मेथड ऐड करने का ऑप्शन वहाँ पे दिखाई देने लगता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने गूगल एडसेंस में पेमेंट मेथड को कैसे ऐड कर सकते हैं, गूगल एडसेंस से अपने बैंक को कैसे लिंक करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आप देख सकते हैं मैंने गूगल एडसेंस ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे पेमेंट्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ यू गेट पेड, ऐड ए पेमेंट मेथड, यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है। हमें इस ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जो बैंक में नाम है, बैंक अकाउंट में आपका वो नाम आएगा जो आपके स्टेटमेंट में है, मतलब वो नाम ही है। ठीक है, यहाँ पे IFSC कोड आएगा आपका। ठीक है, जो आपके बैंक का IFSC कोड है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्विफ्ट कोड डालना है, जिसके ऊपर अगर आपको ये नहीं पता कि स्विफ्ट कोड कैसे पता करें अपने बैंक का, तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके इस स्विफ्ट कोड को जान सकते हैं, पता कर सकते हैं अपने बैंक का, या डायरेक्ट ब्रांच में जाके भी पता कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पे आपको दोबारा से अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद आपको इसे सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड, इसके ऊपर इसे टिक करके रखना है। ठीक है, और यहाँ पे फिर सेव कर देना है। तो सेव करने से पहले मैं यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें फिलअप करती हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ गया है वायर ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट, ये हमारा ऐड हो गया है। यहाँ से आप इसे रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से इसमें कुछ एडिट करना हो वो एडिट कर सकते हैं, और अगर कोई और पेमेंट मेथड ऐड करना है किसी और बैंक का तो आप इस पर क्लिक करके नया पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप गूगल एडसेंस को अपने बैंक से लिंक कर सकते हैं या गूगल एडसेंस में पेमेंट मेथड को ऐड कर सकते हैं, और यूट्यूब से जो भी अर्निंग होगी अब आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पहुंच जाएगी 21 तारीख को। ठीक है, हर महीने की 21 तारीख को वो ट्रांसफ़र होती है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आप किस तरीके से गूगल एडसेंस में पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं, अपने बैंक को उसमें लिंक कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।